कोरोना महामारी की दोनों लहर के बाद पहले श्रावण मास को श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं महू का सबसे प्रमुख एवं प्राचीन मंदिर चक्की वाले महादेव में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन भी करवाया जा रहा था। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ खड़ा था और समझाइश दी जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग में दर्शन करें एवं दूरी बनाए रखें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा समय घर के अंदर बिताएं। तीसरी लहर को देखते हुए कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सोमवार को महू के प्रसिद्ध चक्की वाले महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और चक्की वाले बाबा का जलाभिषेक किया, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं व युवतियों ने पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किया। यहां सिलसिला खबर लिखने तक जारी था। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता महू से जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार का आज पहला सोमवार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग वैसे तो आते ही हैं, बट आज 2 साल के बाद खुला हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ के जो दर्शनार्थी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको शुभकामना देना चाहूँगी, आज पहला सोमवार है, जय श्री महाकाल और महाकाल सब आपकी विशेष पूरी करें। मऊ शहर की जनता को मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मास्क पहने और दूर रहे, जितना हो सके घर में रहे, क्योंकि 3rd लेयर आ गई है, अब हमें नहीं पता आगे क्या होगा, तो इसीलिए। मेरा नाम डॉली वर्मा है, मैं मऊ से ही हूँ। अनुभव कर रहे हैं, मतलब 2 साल से जो आदमी रुका हुआ था दर्शन के लिए, वो खुले मन से दर्शन कर रहा है और सब बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सब भगवान पर सब पर कृपा इसी बनाए रखे सब पर, बस बहुत आनंद है मेरा, वो बहुत आनंद है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस भक्त लोगों को ये संदेश कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें और इसका अपने सब कानून का पालन करते रहें और दर्शन करते रहें बढ़िया तरीके से, अब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आप बताओ कैसा क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, आज मेरा सोमवार है, सावन था, बहुत बढ़िया लग रहा है। बस संदेश यही है कि सब अच्छी तरह से राम सा है, आराम से पूजा करें, ईश्वर नारायण अग्रवाल। आनंद आ रहा है कि उनको जल चढ़ाने का मौका मिल रहा है, गए साल तो ऐसा बिल्कुल तरसते थे दर्शन करने के लिए, आते थे भगा दिए जाते थे, अब प्रेम से आ रहे हैं, सुबह से 4 बजे से जल चढ़ा रहे हैं लोग, बड़े प्रेम से श्रद्धा से। हाँ, सबको समझाया जा रहा है कि क्यों मास्क लगा के आए और दूर दूर बना के रहे हैं, फिर जितना कर सकते उतना कर रहे हैं हम लोग। प्रशासन द्वारा भी आपको कोई गाइडलाइन दी गई? हाँ, ये दी गई है कि दूर दूर से आदमियों के दर्शन करें और मास्क लगाएं। मेरा नाम पंडित कैलाश शर्मा है।